आदरणीय सभापति जी, महिलाओं के सशक्तिकरण भी हमारे लिए प्राथमिकता है। भारत जैसा देश, 50% आबादी, हमारी विकास यात्रा के जो सबका प्रयास का विषय है, उस सबके प्रयास में सबसे बड़ी भागीदार हमारी माताएं बहनें हैं। देश की 50% जनसंख्या, और इसलिए भारत का समाज की विशेषता है, उतनी परंपराओं में सुधार करता है, बदलाव भी करता है। ये एक जीवंत समाज है, हर युग में ऐसे महापुरुष निकलते हैं जो हमारी बुराइयों को से समाज को मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं। और आज हम जानते हैं महिलाओं के संबंध में भी भारत में कोई आज चिंतन हो रहा नहीं, पहले से हमारे यहाँ चिंतन हो रहा है। उनके सशक्तिकरण को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर हमने मैटरनिटी लीव पर बढ़ाई है तो एक प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण और परिवार के सशक्तिकरण का हमारा प्रयास है, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसका परिणाम है कि जेंडर रेशियो में जो हमारी असंतुलन था उसमें काफी अच्छी स्थिति में हम पहुंच गए, और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें आज हमारे कुछ स्थानों पर तो हमारे यहाँ पुरुषों से माताओं बहनों की संख्या बढ़ रही है। ये बड़े एक आनंद का विषय है, गौरव का विषय है। जो बुरे दिन हमने देखे तो उसमें से हम बाहर आए हैं, और इसलिए हमने प्रयास करना चाहिए। आज एनसीसी में हमारी बेटियां हैं, सेना में हमारी बेटियां हैं, वायुसेना में बेटियां हैं, हमारी नौसेना में हमारी बेटियां हैं। तीन तलाक की कुप्रथा को हमने खत्म किया, और मैं जहां जाता हूं मुझे इन माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि तीन तलाक की प्रथा जब खत्म होती है तब सिर्फ बेटियों को न्याय मिलता है ऐसा नहीं है, उस पिता को भी न्याय मिलता है, उस भाई को भी न्याय मिलता है जिसकी बेटी तीन तलाक के कारण घर लौट के आती है, जिसकी बहन तीन तलाक के कारण घर लौट के आती है। इसलिए ये पूरे समाज के कल्याण के लिए है, ये सिर्फ कोई महिलाओं के लिए है और पुरुषों के खिलाफ ऐसा नहीं है, ये मुसलमान पुरुष के लिए भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि वो भी किसी बेटी का बाप है, वो भी किसी बेटी का भाई है, और इसलिए ये उसका भी भला करता है, उसको भी सुरक्षा देता है। और इसलिए कुछ कारणों से लोग बोल पाए न बोल पाए, लेकिन इस बात से सब लोग एक गौरव का आनंद का भरते हैं। कश्मीर में हमने 370 धारा को जो हटाया, वहां की माताओं बहनों को एम्पावर किया है, उनको जो अधिकार नहीं तो अधिकार हमने दिलवाए हैं, और उस अधिकारों के कारण आज उनकी ताकत। आज शादी की उम्र में क्या कारण है, आज के युग में मेल और फीमेल के बीच में अंतर होना चाहिए, क्या जरूरत है? बेटा बेटी एक समान है तो हर जगह पे होना चाहिए, और इसलिए बेटे बेटी की शादी की उम्र समान हो, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ ही समय में ये सदन भी उसके विषय में सही निर्णय कर करके हमारी माताओं बहनों के कल्याण के लिए काम करेगा।